तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। आइसिस इस्लामिक स्टेट ने ऐसी एक्सएसएलएवीआई महिलाओं के साथ बलात्कार करने के लिए बना रखे हैं ये घटिया नियम। इस्लामिक स्टेट आइसिस कमेटी ऑन रिसर्च एंड फतवा ने इराक और सीरिया में लड़ रहे अपने आतंकियों के लिए ऐसी एक्सएसएलएवीआई के साथ बलात्कार करने की पूरी डिटेल्ड गाइडलाइन जारी की हुई है। आईएस ने यह गाइडलाइन संयुक्त राष्ट्र में आतंकियों के अमानवीय बलात्कार की घटनाओं पर उठ रहे सवाल के बाद जारी किया था। यह गाइडलाइन बतौर आईएसआईएसआईएस के फतवा के तौर पर जारी की गई है और अब संगठन से जुड़े सभी आतंकियों को अपनी गुलाम बनाई हुई महिलाओं का बलात्कार करने के लिए इस फतवा को ध्यान में रखना होगा। आईएस का मानना है कि बीते दिनों बलात्कार की कुछ घटनाएं शरीयत कानून के खिलाफ रही हैं, लिहाजा यह नया फतवा इसीलिए जारी किया गया जिससे भविष्य में आईएस आतंकी बलात्कार को अंजाम देने में शरीयत कानून की हद को न लांघे। इसे अब आप क्या कहेंगे, ये लोग बलात्कार करने के लिए भी नियम बनाते हैं। इनकी नजरों में बलात्कार करना गलत नहीं, बस उसे गलत तरीके से करना, बलात्कार में नियमों का उल्लंघन करना गलत है। इनका कहना है बलात्कार तो करो लेकिन नियमों से। आइए आपको बताते हैं इन कानूनों के बारे में। आईएसआईएस के फतवे में बलात्कार के प्रमुख नियम। एक, आईएस आतंकी किसी महिला को गुलाम बनाने के बाद तब तक बलात्कार नहीं कर सकता जब तक उसकी कैद में एक बार उसका मासिक धर्म नहीं हो जाता और वह उससे स्वच्छ हो जाती। दो, अगर गुलाम महिला का मासिक धर्म नहीं होता है और वह प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसका बलात्कार उसकी डिलीवरी तक नहीं किया जा सकता है। तीन, शरीयत के मुताबिक गुलाम बनाई हुई प्रेग्नेंट महिला का अबॉर्शन नहीं कराया जा सकता है। चार, वह आतंकी ही अपनी गुलाम बनाई हुई किसी महिला का बलात्कार कर सकता है और वह किसी अन्य आदमी को उसका बलात्कार करने की इजाजत नहीं दे सकता है। पाँच, यदि किसी आतंकी की गुलाम महिला की कोई बेटी है जिसकी उम्र संभोग करने के लिए उचित है तो स्थिति में वह आतंकी दोनों में से किसी एक का बलात्कार कर सकता है। दोनों का बलात्कार करना शरीयत कानून के खिलाफ होगा, लिहाजा ऐसी स्थिति में एक महिला उस आतंकी से दूर रखी जाएगी। छह, यदि कि आतंकी दो सगी बहनों को गुलाम बनाता है तो ऐसी स्थिति में वह आतंकी सिर्फ एक बहन का बलात्कार कर सकता है। यदि वह दूसरी बहन का बलात्कार भी करना चाहता है तो उसे पहली बहन को या तो किसी अन्य को बेच देना होगा या फिर उसे अपनी गुलामी से मुक्त करना होगा। सात, कोई आतंकी पिता अपने पुत्र की गुलाम बनाई हुई महिला का बलात्कार नहीं कर सकता और इसका उल्टा बलात्कार भी शरीयत नियम के खिलाफ होगा। इसके साथ ही कोई आतंकी अपनी पत्नी की गुलाम बनी महिला का भी बलात्कार नहीं कर सकता है। आठ, यदि कोई आतंकी पिता अपनी गुलाम महिला का बलात्कार करने के बाद उस महिला को अपने बेटे को दे दे या फिर बेटे को बेच दे तो स्थिति में वह पिता आतंकी दोबारा उस गुलाम महिला का बलात्कार नहीं कर सकता है। 9. यदि कोई गुलाम महिला किसी आतंकी के बलात्कार के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस महिला को वह आतंकी बेच नहीं सकता और वह उस आतंकी की मौत के बाद ही स्वतंत्र हो सकती है। 10. आजाद की हुई कोई भी महिला गुलाम के साथ उसका पूर्व स्वामी बलात्कार नहीं कर सकता है क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद वह गुलाम महिला उसकी संपत्ति नहीं रहेगी। 11. यदि दो या दो से ज्यादा आतंकी किसी महिला को खरीद कर गुलाम बनाते हैं तो उनमें से कोई भी उस महिला का बलात्कार नहीं कर सकता क्योंकि वह उन सभी की साझा संपत्ति है। 12. किसी भी गुलाम महिला का बलात्कार उसके मासिक धर्म के दौरान नहीं किया जा सकता है। 13. किसी भी आतंकी को अपनी गुलाम महिला के साथ अप्राकृतिक संभोग करने की इजाजत नहीं है। 14. सभी आतंकियों को अपनी गुलाम महिलाओं के प्रति अच्छा आचरण करना होगा और वे उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। इसके साथ ही कोई आतंकी अपनी गुलाम महिला को कोई ऐसा काम करने के लिए नहीं कहेगा जो करने में वह सक्षम न हो। 15. कोई आतंकी किसी गुलाम महिला को ऐसे आतंकी को नहीं बेच सकता जिसके बारे में वह आश्वस्त है कि वह उस महिला के साथ बुरा बर्ताव करेगा या फिर ऐसा कुछ कर सकता है जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद की।